अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से पोटैटो वेजेस। तो स्टार्ट करते हैं। पोटैटो वेजेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 6 आलू लिए हैं और इनको इस तरीके से लंबाई में काट लिया है। और अब हम इसमें इसको ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम ये आलू अच्छी तरह से वॉश करके और इनको ठंडे पानी से निकाल लेंगे। उसके बाद हमने आलू बॉईल करने हैं, तो यहाँ मैंने पानी गरम कर लिया है और आलू इसके अंदर डाल दिए हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे और इनको हमने 50% बॉईल करना है। अब इनको बॉईल होने देते हैं। तक हमारे आलू बॉईल होते हैं, हम लोग इसकी कोटिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास है 1 कप मैदा, इसमें हम डाल देंगे 3/4 कप कॉर्न स्टार्च, या कॉर्न फ्लावर जिसे कहते होते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अगर आपके पास ऑरिगेनो है तो ये भी डाल दें इसमें 1/4 टीस्पून, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब इसको मिक्स करते हैं थोड़ा सा। अब इसमें पानी डाल के इसका थिक सा बैटर बनाएंगे, बहुत पतला नहीं होना चाहिए वरना कोटिंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है, इस तरह का देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल देते हैं, हरा धनिया, बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा ही चाहिए हमें, बस ज़्यादा नहीं लेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और अच्छा सा टेस्ट आएगा। बस इतना काफ़ी है। आलू गल चुके हैं 50%, हमें इससे ज़्यादा नहीं गलाने, फ्राई होने में भी गलेंगे। अब इनको निकाल लेते हैं। ये धनिया इसमें डाल देते हैं, मिक्स करते हैं इसको। अब ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको बहुत अच्छा सा इसको हमने कोट कर लेना है। ये देखें, इस तरह हमने थिक सा बैटर बनाया था ना, तो ये बहुत अच्छी सी कोटिंग हो गई है। अब इनको फ्राई करते हैं। ऑयल गरम कर लिया है हमने दरमियानी आंच पे। अब इसमें एक एक करके डालते जाएंगे ये हाथ से। इनको हमने डीप फ्राई करना है और मीडियम आंच पे इनको हमने फ्राई करना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अब ये फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है इनका और क्रिस्पी भी हो गए हैं, अंदर तक फ्राई हो गए। अब निकाल लेते हैं इनको। तो हमारे पोटैटो वेजेस तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े की इसकी कोटिंग है। चेक करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।